ऐसा लगता है कि मनी सिल्वर अबाउंड अनकाउंटेबल नॉट एज वेरी लिटिल, तो उसका सही आंसर क्या है, एज वेरी लिटिल। अब नंबर 13 देखिए, प्राइसेस फॉर बाइक कैन हाई कैन रन। अब ये हाई जो ये एडजेक्टिव है, तो आपने अक्सर देखा होगा एज सून एज फार एज मच एज मैनी एज टॉल एज ब्यूटिफुल एज, है ना, एज इंटेलिजेंट एज। तो देखिए एज इधर है और इधर भी एज है, और ये कंबाइन एडजेक्टिव है जिसमें एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज है। बाकी तमाम ऑप्शन में सी हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ टू की जगह डेट आता है ना, कि इतनी महंगी हो गई है कि कोई खरीद नहीं सकता, प्राइसेस फॉर बाइक्स आर सो हाई डेट नोबडी कैन अफोर्ड इट, तो सो हाई के साथ डेट हो सकता था, लेकिन यहाँ टू नहीं होगा। अब देखिए सो हाई एज कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि अंग्रेजी में सो के बाद एडजेक्टिव के बाद डेट आता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि कोई अंग्रेजी आज तक ये नहीं बनी है सो हाई एज, क्योंकि सो के साथ डेट आता है, हमेशा ये कॉम्बिनेशन है कि सो के साथ डेट आता है। तो जब सो एडजेक्टिव डेट होता है तो ये रीजन के साथ रिजल्ट है, जैसे सर उजर इज सो हैंडसम इन टीचिंग दैट एवरी स्टूडेंट्स एडमायर, ठीक है। तो सो के साथ एडजेक्टिव का मतलब ये है कि रीजन ये है कि लड़के क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, लड़कियां क्यों अट्रैक्ट हो रही हैं। पहले मैंने रीजन बताया है, जब मैं ये टॉफल की क्लास में लेता हूं तो मैं क्लास में डिस्कस करता हूं कि सो डेट एक्चुअली क्रिएट टू मीनिंग्स, व्हेन यू यूज सो आफ्टर सो यू यूज एडजेक्टिव इट यूज रीजन प्लस रिजल्ट काउस प्लस इफेक्ट। सर अली इज सो लेजी, सर अली इज सो लेजी, सर अली इज सो स्लगिश, रीजन तो ये है, लेकिन आगे रिजल्ट ये आ रहा है कि वो कुछ चीजों में डेफिशिएंसी शो कर रहे हैं कि वो टाइम पे नहीं पहुंच सकते, वजह मैंने पहले बयान की कि लेजीनेस है। लेकिन अगर मैं कहूं यू ऑल स्टूडेंट्स कम टू स्टडी कॉलेज सो दैट, तो यहाँ पे सो दैट का मतलब है पर्पस, रिजल्ट आ रहा है कि तमाम स्टूडेंट्स आते हैं ताकि वो कामयाब हो सके। तो सर उजैर टीचर्स वेरी वेल सो दैट, अब यहाँ पे सर उजैर का रीजन नहीं है, सर उजैर का बेसिकली पर्पस आगे शो हो रहा है कि मेहनत करते क्यों, व्हाई, सो दैट ताकि ही में सेटिस्फाइड द क्राइविंग ऑफ द स्टूडेंट्स, ही में सेटिस्फाई द स्टूडेंट्स, ही में मेक स्टूडेंट्स एबल, ही में एनेबल द स्टूडेंट्स, ही में मेक द स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स एज इजी एज 1+1=2। तो वो मैथ्स को आसान करने के लिए मेहनत करते हैं। तो पहले में अगर सो के साथ एडजेक्टिव आ जाए तो रीजन प्लस रिजल्ट, अगर एक क्लॉज देके सो दैट एक साथ आ जाए तो फिर पर्पस। तो यहां पे क्या होना चाहिए, एज हाई एज होना चाहिए। बी ऑप्शन इसलिए नहीं होता कि अंग्रेजी में कोई जुड़ा ही नहीं है एज आई टू, मतलब मैं उसको क्या एक्सप्लेन करूं आपके साथ, आप बहुत बाशऊर स्टूडेंट्स हैं, एज आई टू भी इंग्लिश नहीं, सो आई टू भी इंग्लिश नहीं, और सो हाई एज भी नहीं हो रहा है। नंबर 14 शायद आपको बहुत मुश्किल हो, नंबर 14 में देखिए मैं आपको मैंने सर उजैर की एग्जांपल दी, अगर आप मान लें, चलो मैं आपकी बात कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ माय स्कॉलरशिप कॉमा आफ्टर फिनिशिंग माय डिग्री, देखिए स्कॉलरशिप से पहले क्या आया हुआ है, माय, है ना, और डिग्री से पहले क्या आया हुआ है, माय, इसका मतलब है डिग्री कौन फिनिश कर रहे हैं, मैं, स्कॉलरशिप भी किसको मिलेगी डिग्री खत्म होने के बाद, मुझे। तो अब जरा ये समझिएगा कि व्हेन आई एम फिनिशिंग माय डिग्री, क्योंकि डिग्री मेरी है स्कॉलरशिप भी मुझे मिलेगी, तो व्हेन आई एम फिनिशिंग माय डिग्री एंड आई विल गेट माय स्कॉलरशिप, तो जब मेरी स्कॉलरशिप है डिग्री मेरी है तो जॉब भी फिर मुझे मिलनी चाहिए, तो जुमला आई से स्टार्ट होगा, दिस इज अ डैंगलिंग मॉडिफायर, कि हु इज माई एजुकेशन इज नॉट गेटिंग माई स्कॉलरशिप, नीदर माई एजुकेशन इज गेटिंग माई स्कॉलरशिप नॉर फिनिशिंग माई डिग्री, एम आई राइट। अब सेकेंड ऑप्शन में देखिए, एम्प्लॉयमेंट, नीदर एम्प्लॉयमेंट इज गेटिंग माई स्कॉलरशिप नॉर फिनिशिंग माई डिग्री, आप मेरी इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन देखें, द यूनिवर्सिटी इज not getting, neither getting my scholarship nor finishing my degree, I am finishing my degree, I will get my scholarship, so definitely I will be employed by the university। ये इसी तरीके का जुमला है कि अगर नंबर 14 को बिल्कुल चेंज कर दिया जाए
कि आफ्टर रिसीविंग मैन ऑफ द मैच अवार्ड कॉमा और एक ब्लैंक दे दिया जाए, देखें चार ऑप्शन, अफरीदी स्पोक टू द जर्नलिस्ट, द जर्नलिस्ट इंटरव्यूड अफरीदी, एन इंटरव्यू वाज टेकन बाय द जर्नलिस्ट फ्रॉम अफरीदी, अफरीदीज इंटरव्यूज वाज टेकन बाय द जर्नलिस्ट. अब मुझे बताएं हु इज रिसीविंग मैन ऑफ द मैच अवार्ड, देयर विल बी समवन. क्या इंटरव्यू कैन रिसीव मैन ऑफ द मैच अवार्ड? नो. If interview receives man of the match award, तो फिर तो ये होना चाहिए an interview was taken. If Afridi's interview is receiving man of that Afridi's interview, लेकिन Afridi is receiving man of the match award, तो Afridi receiver हुआ. तो definitely Afridi will speak to the journalist. तो कितना खतरनाक और dangling modifier आ रहा है ये, ठीक है? तो number 14 ये खत्म हो चुके हैं. तो मैं दोबारा से एक रिकैप कर दूं जल्दी जल्दी से. तो पहला वाला ऑप्शन जरा देखिएगा विद द असिस्टेंस ऑफ सर उजैर, मैं जल्दी जल्दी ये काम करवा ले रहा हूं. पहला सिंस 1970, क्योंकि अच्छा बहुत मुश्किल सवाल है. बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर नहीं क्यों नहीं इन और आफ्टर हुआ. अरे आप सब माशाल्लाह बाशऊर बच्चे हैं, 9th-10th में सेंस और फोर हर इंग्लिश का टीचर गली कूचों में पढ़ा लेगा, मैं इस चीज के लिए नहीं आया. और अगर आप सुनने की ख्वाहिश वाले सेंस फोर, तो मैं आपको इंप्रेस कर रहा हूँ बोलकर, सिंस स्टार्टिंग टाइम फोर स्पेंडिंग टाइम, सिंस स्टार्टिंग टाइम फोर स्पेंडिंग टाइम, सर उजैर हैज बीन टीचिंग मैथ्स डैश 2000 सिंस ही स्टार्टेड टीचिंग इन 2000. प्रूफ, सर उजैर हैज बीन टीचिंग मैथ्स डैश 18 years for spending time. 18 साल खुआरी हो गई है, बाल वाइट हो गए, ठीक है ना? मैंने क्लियर किया तुम्हें भरम बनाने के लिए, तो मैं बोल कर कर रहा हूं. अब बच्चे कह रहे हैं कि ए और बी क्यों नहीं हुआ, कि अबेट का मतलब होता है खाली करना, खाली करा देना. तो इसलिए नहीं हुआ कि हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है. अगर यहाँ हैव नहीं होता तो खुदा की कसम ए भी सही था, बी भी सही था, फिर सी और डी नहीं होता. देखो मेरे उंगली के निशान में क्या कर रहा हूं, अगर हैव नहीं होता पॉलिटिकल डेमोंस्ट्रेशन ऑन अमेरिकन कैंपसेस एबेटेड 1970 में खाली कराया, बिल्कुल सही है. आफ्टर 1970 1970 के बाद खाली कराया एहतजाज ने, ये भी सही है. लेकिन चूंकि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अबेट नहीं अबेटेड है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में सेंस ऑफ फोर होता है. जैसे मैं सर अली से मुलाकात नहीं किया पिछले 3 हफ्ते से, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट फ्राइडे, सिंस लास्ट वीक, या फॉर लास्ट 3 वीक्स. एम आई राइट और रॉन्ग? मैं अंग्रेजी सही बोल रहा हूं. सिंस स्टार्टिंग टाइम फॉर एंडिंग टाइम, सिंस इनिशिएटिव टाइम फॉर फाइनल टाइम. दूसरे में यूज टू ट्रेड, तीसरे में टू माय कॉलिंग, और चौथे में बट आल्सो, पांचवे में मीट, और छठे में विल, सातवें आठवें में मैथमेटिक्स टीचर्स, पैरेलल स्ट्रक्चर वेदर टू सेलिब्रिटाइजिंग इफ इट वर, इट इज जनरली बिलीव दैट हैज वेरी लिटिल हैज हाई एज. और देखो बेटा माई स्कॉलरशिप, आई विल गेट माई स्कॉलरशिप, आई विल फिनिश माई डिग्री, या आई एम फिनिशिंग माई डिग्री, आई एम गेटिंग माई स्कॉलरशिप, ऑफकोर्स आई विल बी एम्प्लॉयड बाई द यूनिवर्सिटी. थैंक यू सो मच, सेंटेंस फॉर्मेशन फिनिश. अब मैं आपको होमवर्क दे दूं, पता नहीं आप लोगों ने किया या नहीं किया होमवर्क, कल तो कितने सारे बुक के होमवर्क दे दिए थे. होमवर्क ले लीजिए पेज नंबर 28 से लेकर 35 तक, पेज नंबर 28 से लेकर 35 तक. इससे पहले खूबसूरत आवाज में जो समातों की नजर हो रही थी आप लोगों की, वो मैं नहीं था, सर उजैर थे, जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि नोट्स आ चुके हैं, आप अभी कभी भी शाम यानी या 2 बजे के बाद आ सकते हैं, आज ले लें या कल ले लें. लेकिन वो इम्फेसाइज कर रहे थे कि बेटा कोशिश करें आज ही ले लें, क्योंकि वो इसलिए कह रहे हैं कि कल से आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि कल मेरी इंग्लिश की क्लास नहीं होगी, मेरी मुलाकात नेक्स्ट वीक होगी. 20 से रेन बताया गया है, तो सर उजैर के कोलैबोरेशन इंशाल्लाह अगर शायद जुमा हफ्ता कोई स्पेंड हो जाए या कोई एक दिन, तो वो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर जानते हैं. तो लेकिन अभी आप अपने जहन में रखिए कि पीर के दिन ही क्लास होगी, ठीक है? तो मैं जा रहा हूं चैट पर. सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है तो बता दें. यू आर राइट. अच्छा
अक्सर फातिमा आपने मुझसे रीजन पूछा है या जवाब दिया है बिकॉज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस वी हैव यूज्ड. बिल्कुल ठीक है अक्सर फातिमा तो इतनी अच्छी बच्ची है कि क्लास में रहकर मेरे पास मैसेज आया और कल इनके वालिद मोहतरम से भी बात हुई, बहुत खुशी हुई और अक्सर मेरी आवाज सुनी. बल्कि अक्सर ने मुझसे बहुत वादा किया था कि सर मैं तो इंशाल्लाह टाइम पे पहुंचूंगी, और अक्सर ने बड़ा खतरनाक सवाल पूछा था कि कॉलन कैसे यूज करते हैं. तो अक्सर आई होप कि आप सेटिस्फाई हो गई होंगी, लेकिन यहाँ पर हम मौजूद नहीं है. अक्सर फातिमा आपको बहुत ज्यादा अस्सलाम वालेकुम. जैनब माइक दूर करके बोले. अच्छा जैनब माइक दूर करके बोलते हैं, मुझसे बहुत गलती होगी, माफ कीजिएगा जैनब. ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अक्सर फातिमा. मैं आई डू नॉट एक्चुअली मीन टू अशेम यू, मेरा मकसद ये नहीं है, बल्कि मैं और सर उसे काफी इंतजार कर रहे थे आपका. मैंने इनको बताया दोनों का, बहुत अच्छी बात है कि अगर एक स्टूडेंट भी अगर आ रही है, लेकिन सुखी कोई बात नहीं, ठीक है, होता है. ठीक है, और मेरे ख्याल से इफ द वेदर अलाउड यू यू कुड कम, मुझे ऐसा लग रहा है अगर वेदर आपको इजाजत दे देता तो आप आती ना. इनफैक्ट आई माई सेल्फ एक्चुअली जो आया हूँ बड़ी मुश्किलों से आया हूँ. इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग व्हेन आई वाज लीविंग माई होम. एनीवे ठीक है, क्लियर हो गया बेटा. ठीक है, अब दूसरी शीट सर उजैर के तरफ से वर्ड्स लिस्ट. हम अपनी क्लास को पीर मंगल से ही करेंगे नेक्स्ट वीक से, क्योंकि हमारा जो शेड्यूल बना हुआ है उसके मुताबिक. वजह यह कि हम रिस्क क्यों लें, तो वी कैन नॉट बेउन द वेदर, हम मौसम के खिलाफ नहीं जा सकते. ठीक है, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे के दिन ही क्लास करेंगे, अभी से मैंने बता दिया है. ठीक है, हमारी इंग्लिश की क्लास अब मंडे के दिन ही होगी. अब आपके सामने स्क्रीन शेयर किया गया है, आप वोकैबुलरी देख रहे होंगे जनाब. जिन लोगों के पास ये है तो मैं इनको क्लियर कर दूं कि ये पेज नंबर, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पेज नंबर 37 पर मौजूद है. मैंने इसलिए लिया है कि बड़े हेल्दी वर्ड्स है, मैंने 36 को जानबूझ के नहीं लिया है. आप इन वर्ड्स को याद करेंगे, स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं मतलब दीगर जगहों पे जहां पर इंजेक्टेड है हम, कि सर ये पूरी लाइन याद करनी है, ये सिनोनिम्स है बेसिकली. लेट मी क्लियर यू हियर बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग वोकैबुलरी विद ऑल ऑफ यू. मुझे नहीं पता आपकी वोकैबुलरी कैसी है, बट यू मस्ट हैव अ वर्ड बैंक. आपके पास बड़ी अच्छी इंग्लिश के लिए वर्ड्स होने चाहिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं इंग्लिश में. देखिए पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है डिसअपॉइंटमेंट. इट इज कॉल्ड मेलनकोली होपलेस डिडक्टेड. मैंने ब्रैकेट में जो किया वो मेरी खुद की क्रिएटिविटी है. हमारे मुझे सिंध गवर्नमेंट से बहुत प्यार है. ठीक है, मुझे सिंध गवर्नमेंट से बहुत प्यार है. ये मेरे दांत मैश हो रहे हैं आप समझ जाएं. ठीक है ना, कोई सिंधी सुन रहा है बाबा, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ऐसी है, कॉल और फेल में तजाद पाया जाता है. तो एनीवे, तो मैंने उन लोगों के लिए जुमला बनाया है. ब्रैकेट में सारे मेरे घर के जुमले हैं, मतलब मेरे किचन से होते हुए आ रही है, किसी की चोरी किए हुए नहीं है. आप उस पर अगर कोई एतराज हो ग्रामेटिकली तो मुझे सिखा दीजिएगा. ठीक है, अगर कोई गलती हो पाई जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है. चले स्टार्ट करते हैं. द गवर्नमेंट कंसोल द डिस्पॉन्डेंट विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक्स. आजकल लॉकडाउन में तो इमरान खान को ये करना चाहिए, जो भूख से मर रहे हैं, फेमिश हैं, जिनकी जॉब्स डेली वेजेस है, तो गवर्नमेंट कंसोल द डिस्पॉन्डेंट डेली वेजेस जो लोग हैं ऑफ द लेबर, जो लेबर है उनके साथ उनको कंसोल करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिजेक्टेड हैं. ठीक है, तो कंसोल का मतलब होता है इत्मीनान, और डिसअपॉइंटमेंटिंग का मतलब होता है जो बेचारे गमजदा है. अर्थक्वेक्स के जो विक्टिम्स हैं वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, डिसअपॉइंटेड विक्टिम्स हैं. तो डिसअपॉइंटेड, मेलनकोली, होपलेस, डिजेक्टेड, इसका मतलब होता है एब्जेक्ट, आखिर. उर्दू में कहते हैं कमतर, ये कह लीजिए कि लकलेस, ये कह लीजिए कि गमजदा. ठीक है, मिसेस मेल्डन वाज अ डिसअपॉइंटेड लेडी, क्योंकि उनका हस्बैंड भी इंतकाल फरमा गया हार्ट अटैक से, और उनका बेटा भी, एक गया गम में एक गया बम में. तो गम हो या बम हो, अमवाद जरूरी है. ठीक है जनाब, तो मिसेस मेल्डन का गम क्या था, डिसकॉन्सुलेटेड था. उन्होंने अपनी बुक की लाइन लिखी है कि व्हेन द वार बिगिन आई हैड टू डायमंड्स विद मी, व्हेन इट वाज ओवर नीदर आई हैड हस्बैंड नोर सन, ना मेरे पास शौहर रहा ना मेरे पास बेटा रहा. सेकेंड वर्ड है मिनीस. मिनीस कहते हैं बेसिकली थ्रेट को, कस को, डेंजर को, पेरल को. हमारे यहाँ एयर पॉल्यूशन इज मिनीस टू हेल्थ है, और आजकल कुर्बानी के जानवर की जो इलाशत है वो हमारे लिए मिनीस है.
आजकल पानी गटर का जो ड्रेन वाटर होता है वो भी हमारे लिए मिनेस है, थ्रेट है, कर्स है, डेंजर है, पैरल है. साइंस इज अ ब्लेसिंग और मिनेस, ठीक है ना. स्मोकिंग समटाइम्स मिनेस हो जाती है, ठीक है. एक्सटिंग्विश का मतलब होता है टू पुट आउट स्मोकर, ब्लो आउट, स्नफ आउट, किसी कैंडल को एक्सटिंग्विश करना. ब्लो आउट का मतलब होता है बुझाना, फूंकना. अक्सर किसी किसी एरिया में बल्दिया टाउन का जो वाकया था तो वो फायर ने डेमोलिश कर दिया था, डेवर कर लिया था, लपेट में ले लिया था, इनगल्फ कर लिया था, जैसे कोरोना हैज इनगल्फ द होल वर्ल्ड. आजकल कोरोना जो है वो पूरी दुनिया को लपेट में ले रही है. तो अगर अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई आग लग जाए, डेवर हो जाए, तो फिर उसको बुलाया जाता है फायर ब्रिगेड, क्योंकि वो एक्सटिंग्विश करता है, वो पुट आउट फायर करता है, यानी आग बुझाता है. तो पुट आउट का मतलब आग बुझाना. समझ में आ गई बात. प्रीसिडेंटेड, प्रीसिडेंट का मतलब क्या होता है, प्रीसिडेंट का मतलब, प्री का मतलब होता है पहले, तो प्रीसिडेंटेड का मतलब होता है एग्जाम्पल, मॉडल, स्टैंडर्ड, जो ऑनेस्टी है और इंटीग्रिटी है. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे नबी ने सेट की है वो आने वाले नस्ल के लिए एक मॉडल है, यानी जो पहले से सेट की गई है. यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बेसिकली डिसेंडेंट है और हम उनके लिए एंटी सेंडेंट है और वो हमारे लिए प्रीसेडेंट है. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो चीज पहले से तयशुदा है, मॉडल है, स्टैंडर्ड है, तो ऑनेस्टी ऑफ या प्रेसिडेंट ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी सेट बाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इस्लाम इज रियली वर्थ प्रेजिंग, इज रियली एडमायरेबल. ठीक है. सेनिक्योर, अ पोस्ट रिक्वायरिंग नो वर्क और बाय लिटल वर्क. और प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा क्या हो, धोखे वाली हो, अपरेंटली बिलीवेबल हो, नहीं बल्कि धोखे वाली हो, जानबूझकर धोखा दिया जाए, यानी टचेबल हो, यकीन है कि ये झूठ है. मतलब एक चीज ऐसी है जो टचेबल हो, प्लॉजिबल हो, बिलीवेबल हो, और डिसेप्शन भी हो उसमें, यानी धोखा देने वाली बात है. अगर आप किसी से बात करते हैं आपको लगता है, यकीन है कि ये झूठ बोल रहा है, तो बहुत प्लॉजिबल एक्सक्यूज होते हैं. अक्सर देखिएगा कि स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं सर वो हमारे घर पे लाइट नहीं थी, हम नहीं कर पाए. हमें पता होता है कि ये लाइट थी लेकिन बाद में चली गई है, हमने जब टेस्ट दिया था उस वक्त लाइट थी, आधे घंटे तक लाइट रही है, इसने पॉसिबल एक्सक्यूज किया है, यानी डेलिबरेटली जानबूझकर हमें धोखा दे रहा है, डिसेप्टिव कर रहा है, जिसका मतलब होता है डिसेप्शन. ठीक है ना. स्टडी कॉलेजिएट का इंसेप्शन स्टार्टिंग पॉइंट है, और डिसेप्शन क्या होता है कि स्टूडेंट्स कभी कभार बोल कर नहीं आ रहे होते तो डिसेप्शन होता है. ठीक है, मैक्सिमम से मार रहा भाई. ठीक है. सुपोरियस, कभी किसी की शादी देखी है, दूल्हे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी है, दुल्हन के सामने जो बैठा रहता है तो स्टेज में यूं होता है कि तब तो जबा हो गया, कत्ल होता है, तो फीक स्माइल होता है, सुपोरियस स्माइल होता है, वर्बोस होता है. मैंने किसी को कहा मुस्कुराओ, दांत नजर आ रहे, तो आपने कहा सर ये सुपोरियस स्माइल है, थोड़ा सा उसको कम करिए. अब मैंने कम किया. तो जो चीज बहुत जरूरत से ज्यादा हो, वर्बोस हो, अननेसेसरी हो, प्रोलक्स हो, या फेक हो, कैप्रिशियस हो, सुपीरियस हो, उसको हम कहते हैं. अक्सर शादी में जो होता है दूल्हा बेचारा वो निकाह हो चुका होता है तो सुपूरियस स्माइल दे रहा होता है. ठीक है. अक्सर बच्चे जब काम नहीं करने के आते तो ये करते, जी सर हम कर लेंगे, सर उजार हम कर लेंगे बेटा, एक्सरसाइज 2.7, जी सर, तो सुपूरियस स्माइल हो रहा होता है. ठीक है. तो इसमें मैंने स्माइल दिया है मैकिको, मैजिशियस, फोनी, काउंटरफीट, फेंट, बोन स्मोक, मजाक कराने, ग्रेशियस. अल्लाह हमारे लिए ग्रेशियस है, अल्लाह हमारे लिए क्या है, ग्रेशियस है. सर उजैर इज अ ग्रेशियस टीचर, बहुत रहमदिल है, अगर कोई असाइनमेंट नहीं बनाता कहते कोई बात नहीं छोड़ दो. ठीक है. और अगर कोई ब्रूटल है कि नहीं नहीं अगर तुमने नहीं बनाया तो ना तो इसकी ऐसी की तैसी, अब मैं रिपीट नहीं करूंगा. तो ग्रेशियस का उलट जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, स्टोन हार्टेड कहते हैं, क्रूल कहते हैं, या ये कह लें ब्रूटल कहते हैं, या ये कह लें अनसिंपैथेटिक कहते हैं, या ये कह लें कि आप अलूफ कहते हैं, तो जो बहुत बदजन हो. तो ग्रेशियस बिनाइन, आपकी मामा बहुत बिनाइन बाय नेचर है, हर किसी से इजी टू टॉक है, फ्रेंडली है, क्लेमेंट है, टेंडर है, काइंड है. अक्सर देखिएगा ग्रेशियस वेदर पाया जा रहा है आजकल, और खासतौर पर नवंबर दिसंबर में बहुत ग्रेशियस वेदर पाया जाता है, बहुत जबरदस्त है, क्लेमेंट किंग. ठीक है. मेलाइन, मेलाइन का मतलब होता है क्या है, टू डिफेम, विलीफाई, किसी के, किसी को, किसी की धज्जियां उड़ा देना, रेपुटेशन बदनाम कर देना, किल रेपुटेशन कर देना, स्पॉइल कर देना, कैलुमिनेट करना, इल्जाम लगाना. अ फिलैंथ्रोपिस मेलाइंसमैन, अक्सर आप देखिएगा जो सखी होता है वो किसी को दरहकीकत बोहतान नहीं लगाता, किसी की
पगड़ी नहीं उछालता। रेवरेंस रिस्पेक्ट कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं, होमेज कहते हैं, वैल्यूएशन स्टीम, ये एक ब्रांड का भी नाम है, अक्सर रिजर्व में होता होमेज का। अप्लाइंसेस लिया आपने, एक्यूटी शार्पनेस, एक्यूटनेस, कीननेस, ठीक है। तो एक्यूटी का मतलब होता है शार्पनेस, जिसका मतलब होता है जहीन, कीननेस, ठीक है। अब ब्रैकेट में मैंने यहां मिसाल दिए ब्रैकेट में, अब बिहारीज मेंटल एक्यूटी इज हायर देन दैट ऑफ एनी अदर, समझ में आ रही है बात। एक्यूटी शार्पनेस को कहते हैं, एक्यूटनेस को कहते हैं, कि नहीं, या मैंने अपनी बरादरी की बात की है, ठीक है ना, चूंकि मैं बिहारी हूं तो मैंने अपनी उस चीज को प्रमोट करने की थोड़ी सी कोशिश की है, कि आप बिहारीज मेंटल एक्यूटी इज हायर देन दैट ऑफ एनी अदर, ठीक है, बस एक किसी जोक और एक मजाक है, लेकिन हकीकत में भी वो माशाल्लाह बड़े जहीन होते हैं। एंटीपैथी का मतलब होता है हेट्रेड, ओडियम, डिस्गस्ट, अवर्जन, रिपग्नेंस, डिस्पाइस, कंटेम्प्ट, ये बड़ी लंबी चेन आ रही है। द अवर्जन बिटवीन टू फैमिलीज माउंटेड अप, अक्सर देखिएगा कि दो खानदानों के दरमियान जो अवर्जन होती है, जो नफरत होती है, वो कहीं और लेके चली जाती है। एंटीपैथी जो चीज होती है वो सिंपैथी होती है, इक्विनिमिटी, एजली, अप्लॉम, कंपोजर, सिंसियरिटी, इक्विनिमिटी इन वर्शिप, ठीक है, पाई जाती है इबादत में, ये ज्ञानियत, ठीक है, ये तानियत। आइडोलेट्री का मतलब होता है दीवानापन, आइडोलेट्री का मतलब होता है दीवानापन, मैग्नेस। अब मैग्नेस माइनिया आइडोलेशन, इंडिया इज आइडोलेट्री, इंडिया की जो आइडोलेट्री होती है वो सचिन और बच्चन के लिए काफी दीवानापन है। अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर को एक्चुअली द हिंदूज वर्शिप देम, वो उनको मानते हैं काफी ज्यादा, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि क्रिकेट और संगीत यानी फिल्म इंडस्ट्री तो मैग्नेस है, दीवानापन है, कि इंडियंस आइडोलेट्री फॉर सचिन एंड बच्चन। आगे चलते हैं, सर फीट, आई लव दिस वर्ड, बहुत मन के खाना, टू इंडल्ज, टू एक्सेस इन एनीथिंग, डेवर गर्ल गूगल सैटिएट सेटिस्फाइड फुल गोट गॉग स्टफ इज सर फीट्स पिज्जा, जैसे योर मदर स्टफ यू, आपकी माँ आपको खिलाती है पेट भर के खाना, तो इज सर फीट्स पिज्जा, जब कभी भी कोई भूख लग रही होती है, व्हेनेवर आई एम हंग्री आई मर्डर पिज्जा, आई सर फीटेड इट। Impute toward dog, hinder, call, obstruct, hamper, his penury, उसकी हुर्बती ने उसको पीछे कर दिया। Paucity, shortage, dearth, scantiness, scarcity, ठीक है, वर्ड दिया हुआ है। Paucity of research works bar a country's progress, इसका opposite दिया हुआ है, excess, ज्यादा होना, और paucity का मतलब होता है कम होना, dearth, scarcity, जिसमें कमी हो, lacking हो। डिल्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश होना, आजकल रेन जो है वो फ्लड बन गई है, या रेन डिल्यूज हो रहा है, इनोंडेशन हो रहा है, ओवरवेलम हो रहा है, ठीक है जनाब। इनरवेट, किसी चीज को वीक करना, इनरवेशन, बिल्डिंग अक्सर इनरवेटेड हो जाती है, ठीक है, या भी लेट हो जाती है, सेट हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। डायरेक्ट, बहुत कदीम जमाना, रिमिस, केयरलेस, ईगलेस, नेग्लिजेंट, डायरेक्ट बिल्डिंग होती है अक्सर, या डायरेक्ट का मतलब होता है बहुत लूज कैरेक्टर, या बहुत ही लूज कैरेक्टर से मुराद के जो कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रामे में क्या था, लगान मूवी जो आमिर खान की, उसमें कचरा एक डायरेक्ट कैरेक्टर था, ठीक है ना, डायरेक्ट बिल्डिंग, या डायरेक्ट कॉलेज ऑफ सिंध मदरसतुल इस्लाम कॉलेज जो है वो बहुत डायरेक्ट बिल्डिंग है, ये डायरेक्ट कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है वो। पारिया, पारिया का मतलब होता है जब आप किसी को शन कर देते हैं, डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना, पारिया का मतलब होता है धुतकार देना, पुरानी। बिरेफ्ट, डिप्राइव को कहते हैं, गमजदा को कहते हैं, बिरेफ्ट फ्लड विक्टम्स, ठीक है, बिरेफ्ट लॉकडाउन विक्टम्स जो है लॉकडाउन से सताए हुए हैं, गमजदा, डिसपॉइंटेड और बिरेफ्ट एक ही चीज है। रिसेंट का मतलब होता है खफा हो जाना, रिसेंट, द टीचर रिसेंट्स द डायरेक्ट स्टूडेंट, ठीक है, जो बहुत पुराने स्टूडेंट्स थे, यानी कि जो डायरेक्ट थे, जो बिल्कुल पुअर थे, टीचर उनसे खफा हो जाते हैं अक्सर, जो बहुत तंग करने वाले होते हैं, इंप्यूडेंट होते हैं। एपैथिक का मतलब होता है बेहिस, फीलिंग लेस, इंपैसिव, इंडिफरेंट का मतलब भी एपैथिक है, द एपैथिक बिहेवियर ऑफ एबोरिजिनल, ठीक है, अरब्स, द स्ट्रेसफुल एटीट्यूड ऑफ वायरस इन 3 ईयर्स फिल्म में जाया है। जियरस कहते हैं एंथुसियास्टिक को, बहुत ज्यादा जियरस फुटबॉलर्स, फुटबॉल सपोर्टर्स होते हैं, आप फुटबॉल के जो तमाशाई देखेंगे वो क्रिकेट के लिए देखेंगे, वो बहुत ज्यादा जियरस होते हैं। आप अगर स्पोर्ट्स में देखें
तो आप स्पोर्ट्स में क्रिकेट के इतने तमाशाए झेल से हैं जितने आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा गेम कौन सा है। मेरा एक फेवरेट प्लेयर है मेसी, मैं को रोनाल्डो से ज्यादा अहमियत देता हूँ, आई लव हिम। तो फुटबॉल के जो तो तमाशाई होते हैं सपोर्टर्स वो बहुत सीरियस होते हैं। आप स्टडी में कौन से टीचर्स के दीवाने हैं, कौन से स्टडी में आइडियोलॉजी है? जैसे मैंने आपसे कहा कि इंडिया में द हिंदूज वर्शिप करते हैं वो क्रिकेट को और बॉलीवुड को, वो इबादत समझते हैं। लिहाजा इंडियंस आइडियोलॉजी फॉर सचिन तेंदुलकर एंड फॉर अमिताभ बच्चन, तो मैंने इसलिए ब्रैकेट में दिया है, उसको बहुत मानते हैं वो, सचिन के दीवाने हैं। राहुल द्रविड़ के जितने नहीं उतने सचिन के फैंस हैं। तो आप स्टडी में किसके फैंस हैं मुझे बताएं जरा चैट में, मुझे चैट में जरा बताएं। नो वन, जैनब मैं तो समझता था लोग मेरे दीवाने हैं। अच्छा चलो ठीक है जैनब, तुम्हारी जैसे मर्जी है। ऐसे कोई बेइज्जती करता है क्या? इज दिस अ वे टू इंसल्ट समवन? दिस इज द बेस्ट वे। जैनब मजा, अच्छा 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 आ गया जैनब का जी। नथिंग, आई हैव नो क्यूरी, मैंने कुछ नहीं पूछा, आई हैव नो क्यूरी। अक्सर मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने ये पूछा कि आप, अच्छा चले आप पूछ, अगर आप पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ। मतलब आप स्टडी कॉलेज में, मतलब ये सवाल अच्छी बात नहीं है, बहुत बायस हो जाएगा, मुझे निकाल दिया जाएगा, 5-6 लेक्चर की सैलरी देकर का दफा हो जाए यहाँ से। मैं ये बोल रहा था कि आपको मतलब कौन से टीचर आपकी बड़ी अच्छी मतलब अंडरस्टैंडिंग है, मतलब किसके दिमाग, नॉट स्पेसिफिक, ऑल टीचर्स आर गुड। ओके जैनब इस ऑल में मैं हूं। अच्छा ठीक है, अब जैनब कह रही है सर आप जानबूझ कर ये अदर वर्ड्स में कहते हैं कि आप अपनी तारीफ सुनना चाह रहे हो तो मैं कर देती हूँ। ठीक है जैनब का जवाब आया है सर उधर मेरे सामने, जी बिल्कुल दीवाने नहीं है। अक्सर फातमा ने कहा दीवाने नहीं है, अक्सर जस्ट सी मी वन टाइम, एक दफा मिले मुझसे। सर शीन, अच्छा माशाल्लाह, अच्छा बहुत अच्छी बात है। एनीवे हम टॉपिक सेट करें, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, अगर आप बहुत इंप्रेस हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, ऑल टीचर्स आपने कहा बहुत अच्छे हैं। अच्छा आगे चलते हैं, तो ये बड़ी लिस्ट चल रही है ठीक है। तो सोलास कंफर्ट ईज, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो यू फाइंड सोलास इन इबादत, ठीक है जनाब, वेरी केयरफुल, ये पूरी एक चेंज चल रही है। तो ये तमाम वोकैबुलरी है, इसको आप एक दफा देख लें। इंसिपिड का मतलब होता है, अक्सर देखिएगा डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं ना शुगर के, वो इंसिपिड स्वीट्स इस्तेमाल करते हैं, इंसिपिड जूसेस अवेलेबल होती हैं। टॉरेंशियल, बारिश होने वाली है, वायलेंट होने वाली है ठीक है। पेल्ट का मतलब होता है अटैक, असेल, रिपीटेड ब्लोज। आपने अक्सर देखो का बच्चा जो है वो, देखिए मैंने ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, द चाइल्ड पेल्टेड द काउस होम फ्रॉम द फील्ड्स, चल चल, अक्सर जो बच्चा गाय को मार रहा होता है पेल्ट, ठीक है ऐसा हो रहा होता है शादी के बाद, अक्सर जो हस्बैंड बेचारा नीचे वाइफ ऊपर। एनीवे ये तो खैर ऑब्जर्वेशन है ठीक है, आप लोग बुरा मान जाएंगे ठीक है। अनकाउट का मतलब बदतमीज, देखिए मैंने कल अनकाउट, जो लोग अल्लाह ना करे जिस कॉटियस होते हैं बहुत बदतमीज होते हैं। सर उजैर लाइक्स दी कॉटियस, तो सर उजैर तमीजदार लोगों को पसंद करते हैं, एंड सर उजैर डिसलाइक्स दी डिसकॉटियस, यानी जो लोग अनकाउट होते हैं बहुत बदतमीज होते हैं। नीचे लिखा हुआ इम्प्यूडेंट, जो लोग बहुत ज्यादा बदतमीज होते हैं वो बुरिश होते हैं, इरेस्किबल होते हैं, अल्लाह ना करे कोई स्टडी इन में या स्टडी कॉलेज में इरेस्किबल स्टूडेंट पाए जाए, जो लोग बुरिश होते हैं, चलिश होते हैं, बदतमीज होते हैं ठीक है। देखिए मैंने जुमले में क्या लिखा था, टीचर इज कॉल्ड, टीचर ने बदतमीज स्टूडेंट को बुरी तरीके से डांटा, इम्पर्टिजेंट स्टूडेंट को बहुत बुरी तरीके से डांटा, क्योंकि उसका बिहेवियर अनकाउट था, तो अनकाउट बिहेवियर कोई भी पसंद नहीं करता ठीक है। इंसिपिट पर्सनैलिटी, अल्लाह ना करे किसी की इंसिपिट पर्सनैलिटी हो, बहुत धुंधली हो, स्टूडेंट्स लाइक ना करते हूं ठीक है जनाब। तो कैसा लगा आज आपको लेक्चर, चैट में बता दें। अच्छा बेटा अनाउंसमेंट दोबारा।